तैमूर फार्म में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त अनवीर शेख, फिर आए आपके लिए कुछ खास लेके। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं मक्खियों के बारे में अद्भुत जानकारी और बहुत ही खास जानकारी मैंने आपके लिए इकट्ठे की है आज। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करने से लाल बटन बेल आइकन भी दिया है। अगर आप फेसबुक पेज पर देखें तो फॉलो करना ना भूले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मधुमक्खी के बारे में अद्भुत क्या है वो जानकारी। हमारी जिंदगी में मधुमक्खियों की बहुत महत्व है। आज हम बताने जा रहे हैं कि मधुमक्खियों के बारे में अद्भुत जानकारी कौन सी है। पहले से बात करेंगे हम, वो है जो भोजन हम खाते हैं उसके तीन भागों में एक भाग शहद की मक्खी जैसे पॉलिनेटर द्वारा तैयार किया जाता है, और ब्लूबेरी और चेरी जैसी फसलें 90% पॉलिनेशन पर निर्भर है। दूसरा बात करेंगे हम, जो मधुमक्खियाँ काम करती है वो हमारे जीवन में बहुत ही अद्भुत होता है, वो है फसलों के लिए मधुमक्खियों की महत्वता इतनी ज़्यादा है कि किसान फसलों को पॉलिनेशन उपलब्ध करवाने के लिए दूर दूर से लाकर खेत में लगाते हैं। खेत में उगाए 90 अलग अलग भोजन जिसमें फल और नट्स भी शामिल है, यह सब मधुमक्खियों पर निर्भर है। हाल ही के वर्ष में मधुमक्खियों की संख्या में 70% गिरावट आई है। मधुमक्खियों की संख्या कम होने के कुछ मुख्य कारण भी है। रासायनिक कीटनाशकों और नदी नाशकों का अधिक प्रयोग करना, क्योंकि रोजाना पॉलिनेशन के समय मधुमक्खियां इन रसायनों को खा लेती है। मोबाइल फोन और वायरलेस कम्युनिकेशन टावरों की गिनती बढ़ने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के उर्दी ऐसे उपकरणों से निकली रेडिएशन मधुमक्खियों को रास्ता याद रखने में रुकावट पैदा करती है। ग्लोबल वार्मिंग से विषाणुओं और फंगस आदि की संख्या में वृद्धि होती है जो मधुमक्खियों के रहने के स्थान पर हमला करती है। ये तीन मुख्य कारण होते हैं जिसके कारण मधुमक्खियों की संख्या कम होने लगी है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज मधुमक्खियों को कैसे बचाया जा सकता है। अपने घरेलू या बड़ी बगीचियों में मधुमक्खियों के लिए लाभदायक फूल और फलों वाली जड़ी बूटियां उगाएं। जंगली फूल और नदी भी मधुमक्खियों के भोजन के तौर पर काम करते हैं। बगीचों और फसलों में रसायनों का प्रयोग ना करें। लोकल और कच्चा शहद ज़्यादा खरीदें ताकि मक्खी पालक अपने काम के प्रति उत्साहित हो। मधुमक्खियों के पानी पीने के लिए घर के बाहर एक बर्तन में ताज़ा पानी डालकर रखें। समाज में अन्य लोगों को इन बातों से सचेत करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ आपका दोस्त अनवीर शेख, तैमूर फार्म में आपका स्वागत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।